म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला तब प्रकाश में आया जब उसे गर्भ गिराने की दवा खिला दी गई। स्थिति गंभीर होने पर नाबालिग को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहां से चिकित्सक ने जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर चपकी भवनी निवासी ईश्वर प्रसाद के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। किशोरी को चिकित्सक के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में रहने वाली एक नाबालिग व उसके परिजनों ने चपकी निवासी एक चार बच्चों के पिता पर दुष्कर्म व धमकी देने की तहरीर पुलिस में दर्ज करी है। बताया है कि उक्त व्यक्ति एक महीने से किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। इसकी भनक लगते ही आरोपित ने गर्भपात कराने के लिए किशोरी को मंगलवार को दवा खिला दी, जिसकी वजह से उसकी देर रात हालत गंभीर हो गई। दवा खिलाने के दौरान आरोपित ने किशोरी को धमकी दी कि यह बात वह किसी से ना बताए, नहीं तो ठीक नहीं होगा और बदनाम कर देगा। दवा खाने के बाद किशोरी की हालत बिगड़ने लगी तो छात्रा के परिजनों ने उसे सीएचसी म्योरपुर में चिकित्सकों को दिखाया। इस दौरान दुष्कर्म का मामला सामने आया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर चपकी निवासी आरोपित के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ किया जा रहा है। देखिए सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की एक खास रिपोर्ट। किस क्लास में पढ़ती हो बच्ची? 9। मामला क्या है? गलत किया। कौन गलत किया तुम्हारे साथ? ईश्वर प्रसाद। कहाँ का रहने वाला है? चपकी का। शादीशुदा है? हाँ। अच्छा, कब किया है? एक महीना हो गया। अच्छा, कितनी बार तुम्हारे साथ गलत काम किया है? 6-7 बार हो गया। कुछ दवा भी दिया था क्या खाने को? हाँ। कब दिया था? दूसरे महीने में दिया। दवा खाई तो कुछ दिक्कत हुआ? हाँ, शाम को खाए थे तो ज़्यादा ब्लड चल रहा था शाम को। अच्छा, क्या धमकी उमकी भी दे रहे थे क्या? हाँ। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि किसी को पता ना चले। और भी कोई शामिल था उसमें? हाँ, एक तो रामरती था। कौन है रामरती? घर का है। क्या मामला है? बहन का मामला है, तबीयत अचानक खराब हो गया। शाम को देखे तो रो रही थी, हम भी शाम को उठे सो रहे थे तो देखे क्यों रो रही है, तो बोला कि ब्लड आ रहा है सर। तो हम बोले कैसे आ रहा है ये तो नहीं पता हमको। तो हम शाम तक इंतजार किए, फिर सुबह हुआ तो फिर चल दिए अस्पताल आ गए। फिर अस्पताल आके चेक करवाए तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनमें गर्भवती है 2 महीने का। हम पूछने लगे कैसे हुआ, कौन किया ये सब, तो बता के बगल के एक दुकानदार जो चौकी का है। क्या नाम है उनका? नाम ईश्वर प्रसाद है। कहाँ का रहने वाला है? चपकी का है। अच्छा, फिर? फिर तो हम बोले कि कब तक ही कैसे हुआ, तो बता दिए कि कितने दिनों से कर रहा था वो कुछ, ये तो हमको नहीं पता। क्या मामला है आपका? मामला हमारा है कि हमारी बच्ची का तबीयत एक बैग ख़राब हुआ, उनकी जो है ब्लड बहुत तगड़ा चलने लगा, तो वो जो है बेहोश होने लगी, लड़खड़ाने लगी, तो हमने घबरा करके हॉस्पिटल में ले आया। तो हॉस्पिटल में जांच वोच हुई तो बोला, डॉक्टर साहब बोले कि क्या दवाई वाई खाई हो क्या, तो नहीं बता रही थी लड़की, तो उससे जबरन पूछताछ करने लगे तो बताई बाद में कि हाँ दवाई खाए हैं। तो बोला गया कौन खिलाया, बोला ईश्वर प्रसाद ने खिलाया है। क्यों खिलाया? कैसे खिलाया, कैसे इस तरह से हुआ? तो किस चीज़ का दवा खिलाया था? तो उससे गलत संबंध उसने किया था। ईश्वर प्रसाद कौन है? ईश्वर प्रसाद कल थाना म्योरपुर पर एक वादी ने आकर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा उसकी लड़की से 1 साल से संबंध बनाया जा रहा था, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई। लड़की नाबालिग है, 14 साल की है,
और अभियुक्त वादी के द्वारा यही बताया गया कि लड़की को उसने घर पर आकर दवा भी खिला दी थी, जिसके कारण से उसको ब्लीडिंग हो रही थी। लड़की को फौरन मेडिकल उसके लिए चेकअप के लिए भेजा गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा 376-313 में लिखा गया है। शीघ्र ही इसमें चार्जशीट लगा करके अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।